पूछेगी व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, बायोमेट्रिक है, किस चीज को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के डेट में हर कोई आधार नंबर के साथ अपने मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहता है या फिर से चेंज करना चाहते हैं। अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो उसमें कैसे लिंक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि आधार कार्ड के तरफ से बहुत ही गजब का अपडेट आया है। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप आसानी के साथ मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो, बायोमेट्रिक्स है या फिर से ईमेल आईडी, हर एक चीज को आप चेंज कर पाओगे। एक एक स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एमआधार। एमआधार डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेंगे या फिर से अपने आधार नंबर से रजिस्टर कर लेना है। आपका आधार नंबर इस तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे आना है और नीचे में आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो सिंपली यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट जो दिया है ना, सिंपली इस पर टैप कर देना है। अब दोस्तों करना क्या है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन के आ जाएगा। लॉगिन पेज जो है सिलेक्ट रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेल आईडी या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे और ओटीपी के ऊपर, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी को दोस्तों फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी बेस्ड जो दिया ना, सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा, देख सकते हो ऑनलाइन आधार सर्विसेज। तो सिंपली दोस्तों अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपडेट आधार का ऑप्शन आया है, सिंपली अपडेट आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सिंपली दोस्तों करना क्या है कि अगर आपका कोई भी अपना आधार कार्ड पे कोई भी चेंज करना चाहते हो तो आपका डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड आधार रखेंगे, या फिर से अपने गार्जियन के बेस पे करना चाहते हो तो गार्जियन के बेस पे रखना है। तो मेरा सेल्फ है तो सेल्फ पे रखूंगा। अब सिंपली दोस्तों करना क्या है कि जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर नाम है वो नाम डालेंगे, उसके बाद से अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है रेसिडेंट टाइप, यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, बायोमेट्रिक है, किस चीज को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंपली दोस्त अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, नेम है, तो कोई भी चीज को यहाँ से आसानी के साथ एडिट करके और अपडेट कर सकते हो। अब सिंपली दोस्तों आपको मोबाइल नंबर को अगर अपडेट करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक, प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आधार नंबर इतना कैनॉट बी एडिट लेटर, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो सिंपली यस पे को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वांट टू एडिट मोबाइल नंबर, एडिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल नंबर बोल रहा है कि आपको एक मोबाइल नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे आपको डालने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। ठीक है, अब इस नंबर पर दोस्तों जो आपने नंबर को अपडेट कर रहे हैं इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे डालना है। इसको बस यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ओटीपी वेरीफाई, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों जो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब फ्रेंड सिंपली करना क्या है, यहाँ पे सेव टू प्रोसीड का ऑप्शन दिया ना, सेव टू प्रोसीड के ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने आधार कार्ड के अंदर फोन नंबर को रजिस्टर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा कमाल का ये टिप्स एंड ट्रिक अपडेट हुआ है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।